अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 4 जनवरी 2023 को इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन की गई थी कि 2023 में पुतिन के साथ क्या होगा, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और रशिया यूक्रेन के युद्ध में अब क्या मोड़ आने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जो लोग भी टेक्नो सेवी है पर्संस, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उन तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि क्या हो गया है। और नहीं पता तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या बड़ा खेल हो गया है और उसका इम्पैक्ट अब आने वाले समय में रशिया के साथ और पुतिन साहब के साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले 4 जनवरी 2023 की ये प्रिडिक्शन देख लेते हैं कि 2023 में, छोटा सा क्लिप है लेकिन सुनना अनिवार्य है क्योंकि तब इसमें से सारी बातें लग रही थी कि हवा हवाई है। इसी साल की 4 जनवरी का ये प्रेडिक्शन है कि 2023 में पुतिन के साथ क्या होगा, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जो चंडाल दोष वाले 6 महीने हैं उसमें जो देश निकल के भी सामने आएंगे, पुतिन साहब जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर लीथल कहा जाए, बहुत लंबे समय के बाद शायद दुनिया इस प्रकार का मंजर देखेगी, ये भी संभावनाएं बहुत बड़ी है। लेकिन क्योंकि उनके जन्मांक में अष्टम स्थान में एक विशिष्ट प्रकार का योग बन रहा है, कुंडली का 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव माना जाता है, तो पुतिन साहब के लिए भी तकलीफें हैं। या तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर संकट आए, प्रोबेबिलिटी नंबर 1, क्या क्या हो सकता है जिस प्रकार की अवस्थाएं उनके अष्टम भाव में बन रही है, या तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर एक गंभीर संकट आए 2023 में अप्रैल के बाद और मोस्टली अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में, ये नवंबर दिसंबर भी हो सकता है लेकिन हम अप्रैल से अक्टूबर मान के चल सकते हैं, लेकिन अप्रैल 2023 से हम दिसंबर तक गिन लेते हैं, उनके स्वास्थ्य में गंभीर संकट आए और उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़े। दूसरा, क्योंकि अष्टम भाव ये कंस्पिरेसी का भी भाव है, उनके साथ षड्यंत्र किया जाए, कोशिश की जाए, बच जाएंगे, जान के ऊपर खतरा हमें नहीं दिख रहा है लेकिन ये कठिन परिस्थिति तो है, डगर इतनी आसान नहीं दिख रही है। अग्नि परीक्षा का समय है। एक 4 जनवरी 2023 को ये बताया गया था, अब ड्रोन अटैक उनके ऑफिस के ऊपर हो चुका है, वहाँ पे वो सेफली बच गए। लेकिन जो अभी हुआ है कि रशिया के पुतिन साहब की जो प्राइवेट आर्मी कही जाती है वैगनर ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल था यूक्रेन में रशिया को बढ़त दिलाने में। जो सेटबैक मिला था यूक्रेन की ओर से उसे पूरी तरह से, क्योंकि ये लीथल आर्मी कहा जाता है और बाखमुत ऑलमोस्ट कब्जा कर उसने रशिया को दे दिया था, फिर रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ वैगनर ग्रुप के चीफ के कन्फ्लिक्ट के समाचार, वो वीडियो, वो गाली गलौज भी आपने देखे होंगे। अब समाचार ये आ रहे हैं, अब ये जो यहाँ पे कहा गया था कि ये कंस्पिरेसी षड्यंत्र किसी प्रकार का होगा, वैगनर ग्रुप बागी हो गया है, विद्रोह पे उतर आया है। रशिया का एक शहर है रोस्तोव, वहाँ पे उसका कब्जा हो गया है, वैगनर ग्रुप के लड़ाके वहाँ पे पोजीशन लेके बैठे हैं, उनके टैंक्स वगैरह वहाँ पे घूम रहे हैं और कहा जाता है कि उनका अगला टारगेट मॉस्को भी हो सकता है। तो मॉस्को के रास्ते पे आपको रशियन आर्म व्हीकल्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे। तो ये हो क्या रहा, जो यहाँ पे बताया गया था कि ये समय है अष्टम स्थान में चंडाल दोष बन रहा है और शनिदेव वक्री, मतलब अग्नि परीक्षा का समय तो है, से पहले वो ड्रोन अटैक वाली सिचुएशन बनी, बच गए। अब जो परिस्थितियां बन रही है, अब क्या होगा, रशिया यूक्रेन युद्ध एक अलग है, ये एक नए फ्रंट पे लड़ना होगा, क्या वैगनर ग्रुप के साथ उनको बुला के, उनके चीफ को बुला के समझा पाएंगे। जो सबसे ज्यादा ईमानदार होता है वो जब बगावत पे उतर आता है तो बहुत भारी पड़ता है, और शायद रशिया और पुतिन साहब को इसी का अनुभव आज हो रहा हो। अलग अलग प्रिडिक्शन्स हम कर चुके हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा,
यहां से लेकर जब तक शनिदेव वक्री है, मतलब 4 नवंबर 2023 तक का समय यह आंतरिक विद्रोह का समय रहेगा। पुतिन साहब को बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करना होगा, इसे ये कर भी लेंगे, लेकिन परिस्थितियां विपरीत बनती हुई नजर आएगी। 4 नवंबर 2023 में एक से ज्यादा इंसिडेंट्स बनेंगे रशिया में, युद्ध अपनी जगह पे चल रहा होगा, यहां पे ये कुछ नई हरकतें हो रही होंगी, जिसे हम अष्टम स्थान, जिसे कहते हैं कि भाई हिडन चीजों को अचानक से बाहर ला देता है, षड्यंत्र का भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव, ये जो कुछ भी है ये इफेक्ट दिखाएगा। और उसके बाद जो पुतिन साहब का रिएक्शन शुरू होगा, और जो आगे वाली प्रिडिक्शन में हम कह चुके थे कि हमें लगता है कि अप्रैल 2024 के बाद कभी भी रशिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया के हस्तक आ चुका होगा, लेकिन रशिया और शायद रशिया की प्रजा भी इससे खुश नहीं होगी, क्योंकि ये जो लैंड का टुकड़ा, एक बहुत बड़े यूक्रेन भी एक बहुत बड़ा देश है, ये जो लैंड कवर करने के लिए रशिया ने कीमत चुकाई होगी, वो सैनिकों के जान के स्वरूप में हो, वो इकोनॉमी के स्वरूप में हो, सभी जगह से, तो इससे का इसके कारण रशिया की प्रजा में पुतिन साहब के लिए वो जो विक्ट्री का एक जोश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वो नहीं होगा। आफ्टरऑल विक्टोरियस हो जाएंगे, अप्रैल 2024 के बाद कभी भी ये समाचार आएंगे कि ये समाप्त हो गया, रशिया ने फुल एंड फाइनल हिसाब कर लिया, लेकिन यहां से नवंबर तक, आज हम जून 2023 में बात कर रहे हैं, यहां से 4 नवंबर 2023 तक का समय पुतिन साहब के लिए, जो हमने इसी प्रिडिक्शन में 4 जनवरी 2023 का प्रिडिक्शन था, ये सबसे कठिन समय है। उसके बाद संभलेंगे, उसके बाद एक्शन के ऊपर रिएक्शन आना शुरू होगा, और फिर फुल एंड फाइनल कुछ महीनों में अप्रैल 2024 तक ये साफ सफाई अभियान यूक्रेन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी ये समाचार देखने को सुनने को मिल जाएंगे कि वॉर इज कंप्लीटेड, रशिया इज विक्टोरियस, बहुत सारा यूक्रेन का हिस्सा उसने अपने में समाविष्ट कर लिया है, जैसे क्रीमिया को उसने अपने में मिला लिया था। लेकिन इस युद्ध से मिला क्या और रशिया ने क्या कुछ खोया, उसके बाद की गतिविधियां उसके बाद चलेगी। अब ये भी प्रिडिक्शन थोड़ी सी समय से पहले है, कल्पना से परे लग सकती है, लेकिन सेव करके रखिएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा कि अभी अभी जो कुछ भी हमने इस प्रिडिक्शन में कहा है उसमें से कितनी चीजें किस तरह से आने वाले समय में सच होने के लिए जा रही है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।